ओम जी नमस्ते जी, जी आप बोलिए। हाँ मैं स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे को लो टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कितने दिनों से है? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। तो कितने दिनों से आपको ये प्रॉब्लम है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं वो तो पता नहीं था, अभी टेस्ट किया तो पता चला हाँ B12 का भी कम था। B12 कम है और B12 कम हुआ है। बस। हाँ जी अभी एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, B12 और डी, विटामिन डी, ये दो कॉम्प्लिकेशंस करीब करीब कहीं 25 कहीं 50% लोगों को हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। इसके लिए एक तो अंकुरित आहार लें। अंकुरित आहार में माने जो गुजराती में हम कहे तो फणगायला, अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्राउट्स, तो अंकुरित होते हैं ना, उनके अंकुरण में विटामिन B12 होता है। तो कोई भी अंकुरित अन्न जो आपको अनुकूल पड़ता हो, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, मेथी है, चना है, गेहूं है, जो भी अंकुरित है अंकुरित लीजिए जो आपको अनुकूल पड़ता हो। और साथ ही साथ कपालभाति ज़्यादा कीजिए। और वैसे तो हम पावर वीटा भी देते हैं, तो पावर वीटा में विटामिन डी, B12, इन सब तत्वों की प्राकृतिक तौर पर उनकी पूर्ति हो जाती है। तो आप अंकुरित लीजिए और कपालभाति अधिक कीजिए, और विटामिन B12 के साथ विटामिन डी की भी कमी है तो आप थोड़ा धूप में बैठ करके प्राणायाम कीजिए, धूप से नेचुरली वो मिल जाता है। तो ये दो सजेशंस मेरे सबके लिए हैं, जिनको भी B12 की कमी है वो अंकुरित आहार ज़्यादा लिया करें, शाक सब्जियाँ ज़्यादा खाया करें, विशेष करके सलाद में गाजर का प्रयोग ज़्यादा किया करें, गाजर, और आजकल मौसम है चना भुना हुआ खाएं, वह आरोग्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चने से और अंकुरित भी ले लिया करें, चना भुना हुआ भी ले सकते हैं, और गाजर से, साथ कपालभाति करने से B12 की समस्या का समाधान हो जाता है, और धूप में बैठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से विटामिन डी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। विटामिन डी और B12 की कमी के कारण से बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होने लगते हैं, अलग अलग जगह शरीर में, मसल्स में, बोन्स में पेन होने लगते हैं। कुछ समय लगातार ये कमी बनी रहे विटामिन डी और B12 की, तो उससे और भी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जो उपाय बताया उसका ध्यान दीजिए।